जय जवान जय किसान। ग्राम पंचायत टपरा से आपके जाने माने समाज सेवक प्रत्याशी डोरी लाल, जी हां डोरी लाल, जिनका चुनाव चिन्ह अनाज औसाता किसान, किसान 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 पर मोहर लगाकर डोरी लाल को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाए। जय जवान जय किसान, समझो वोट की पहचान, अनाज औसाता किसान। मैं डोरी लाल हूँ और मैं ग्राम प्रधान चपरा से जो है चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे गांव में 2782 की पोलिंग है, तो आप जनता के बीच चुनाव लड़ने के दौरान तो जनता के लिए आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे कि जनता आपको ही वोट दे? मैं जनता के लिए सबसे पहले जो है महिलाओं की सम्मान की लड़ाई है मेरी, महिलाओं की सम्मान की लड़ाई, जिनका चुनाव क्योंकि हमारी महिलाओं के जो है जब डिलीवरी का टाइम होता है तो 10,000 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना ग्राम पंचायत स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करानी है, और सबसे मुख्य जो है हमारी समस्या रही है लिंक रोड। बाहर में आने वाले जो लोग हैं बहुत ही परेशान रहते हैं, जल भराव रहता है, कभी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना है और कई ऐसी योजना है कि प्रधानमंत्री का मिशन निकलते हैं जिससे बहुत लोग वंचित रह जाते हैं और कई प्रधान नहीं कर पाते, तो आप उनके प्रति क्या करना चाहते हैं? देखो आवास योजना का मैटर है कि अगर सरकार से जो है सबके लिए आता है तो मैं सबको मुहैया कराऊंगा, और जैसे सरकार ने जो है शौचालय मुहैया कराया था सबके लिए तो 100% जो शौचालय महिलाओं को उपलब्ध कराऊंगा, ये मेरी प्राथमिकता है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए मेरा संदेश है शिक्षा के प्रति मैं सबको जागरूक करूंगा और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करूंगा। जय किसान किसान देखा जाता किसान, है कि अभी आपके किसान का चुनाव चिन्ह लगा, तो किसानों के लिए आपके इसके लिए कितना लड़ाई लड़ना है? किसानों के लिए जो खाद बीज का जो रहता है उसमें सस्ती दरों पर जो है मुहैया कराना किसानों के लिए, और जो ट्यूबवेल की जो व्यवस्था है पानी की सिंचाई की व्यवस्था है सुचारू रूप से उनके लिए उपलब्ध करा। क्या ये चुनावी मुद्दे पर ही आपके वादे हैं या चुनावी मुद्दे के बाद भी? नहीं नहीं, ये मेरा चुनावी मुद्दे नहीं है, ये मैं जो है वास्तविकता है मेरी जो है मैं इन कामों को अवश्य कराऊँ। आपको जनता ने चुना या आप जनता के बीच खड़े हो? नहीं, मुझे जनता ने चुना है जो, और जनता ये चाहती है कि मेरे जैसा प्रधान बने जिससे विकास की गंगा बहेगी गाँव के अंदर। ग्राम पंचायत टपरा से आपको ऐसा क्यों लगा कि यार मुझे ही जनता को चुनना है, बाकी और भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या उन लोगों ने काम नहीं किया जो आप लोगों को? ऐसा जनता ने मुझे इसलिए चुना है कि पिछले जो सत्र में जो चुनाव रहे हैं हमारे गांव की गद्दी को और लिंक रोडों को अभी तक दुरुस्त नहीं करा पाए, तो शायद जनता को ऐसा लगा कि मैं सोशल वर्कर हूँ और समाज में कार्य करता रहता हूँ, तो उनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति हमारा काम करा सकता है। प्रत्याशी के बारे में आ सकता है, कौन सा प्रत्याशी चलेंगे जो आप आपके कार्य करें युवाओं के? हमारे तो दो जनांदन सीजन में बढ़िया विकास होगा, जीतेंगे तो जनता की पूरी सपोर्ट है जनता की। ऐसा क्यों? बढ़िया इंसान है और विकास के बारे में विकास होगा, जितने युवाओं के लिए सपोर्ट चल रही है प्रत्याशी युवा के लिए युवा पूरी सपोर्ट से कर रही है, वोटिंग पूरी सपोर्ट से कर रही है। कार्य नहीं हुए क्या? कुछ अब होने जा रहे हैं? अब तो होने की संभावना है, पूरी संभावना है। हमारे गांव के प्रधान पहले प्रधान था, उसने कुछ कराया भी पैसे आए पैसे कौन था हमारे कैंची आया करंजे का।